एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ शेली और मैं हूँ शेली। तो आज का वीडियो होने वाला है मेरे स्किन केयर रूटीन के ऊपर जो कि आप बहुत टाइम से मुझसे पूछ रहे थे। तो आज बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फेस वॉश मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मैं फेस वॉश के लिए यूज करती हूँ सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर क्योंकि वो बहुत ही जेंटल होता है तो स्किन पे, क्योंकि देखिए रिसेंटली मैंने यूज़ करना शुरू किया डर्माको का 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश और उसकी वजह से ना मेरे स्किन पे ये यहाँ पे बहुत ड्राइनेस हो गई और साथ ही साथ ये बहुत स्किन यहाँ का इतने एरिया का बहुत थिन हो गया। तो मैंने अभी उसको यूज़ करना बंद कर दिया और मैं वापस से आ गई हूँ मेरे सेटाफिल के जेंटल क्लेंजर पे। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद ये मेरा बैग है इसमें सारा स्किन केयर रखा हुआ है तो उसके बाद मैं यूज़ कर लूँगी टोनर। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे क्वेंच का टोनर ब्राइटनिंग एसेंस टोनर। तो मैं ना टोनर मैं कभी भी कॉटन पैड से अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं सबसे पहले अपने हाथ पे ले लेती हूँ और उसके बाद मैं ऐसे करके इस तरह से ही लगा लेती हूँ। लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से मसाज करूंगी ताकि ये जो भी प्रोडक्ट है ये अंदर स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाए। मैं कभी भी फैन वगैरह का यूज नहीं करती हूँ प्रोडक्ट को सुखाने के लिए, मैं हमेशा अपने हाथों से ही फेस पे मसाज दे देती हूँ जिससे पूरा प्रोडक्ट अंदर चला जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है स्किन में। आई स्वेयर दिस इज सो नाइस क्योंकि मेरी स्किन ना सेंसिटिव स्किन है और मेरे स्किन पे कुछ भी बहुत मुश्किल से ही सूट होता है, लेकिन दिस इज़ रियली नाइस। एक अच्छा सा आपको ग्लो भी देता है फेस पे। तो अभी ये स्किन पे पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो चुका है, अब मैं मेरे नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ूंगी जो कि है मैं यूज़ करती हूँ ये क्रॉक्स का स्नेल एसेंस। रिसेंटली मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है एंड आई हैव बीन लाइकिंग इट, इट्स नाइस। इसको भी मैं इसी तरह से ही अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये मिनिमलिस्ट का विटामिन सी फेस सीरम, बहुत ही थोड़ा सा लेती हूँ ये मैं, 1 drop, 2 drop and 3 drops, that's it। अब मैं इसको ही पूरे फेस पे विटामिन सी जो होता है ना वो पिगमेंटेशन को थोड़ा रिड्यूस करता है और स्किन को ब्राइटन करता है। तो अगर आपके माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है ना तो आप लगा सकते हो, इट विल बी वेरी यूजफुल। जी नाउ आई विल मूव टू माय नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज करती हूँ निव्या का सॉफ्ट क्रीम लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मैंने इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आई लाइक इट क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, साथ ही साथ स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है।
तो अभी ये भी स्किन पे अच्छे से एकदम एब्जॉर्ब हो चुका है। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग मेरी स्किन थोड़ी ऑयली लगने लगी है, लेकिन नहीं, दिस इज द ग्लो, दिस इज द श्राइन वी नीड। ओके, सो नेक्स्ट आई विल यूज माय सनस्क्रीन विच इज, यू मस्ट बी नोइंग, विच इज एक्वालॉजिका सनस्क्रीन। आई लाइक इट बिकॉज इट डजेंट गिव यू वाइट कास्ट, एंड हमको और क्या ही चाहिए। तो इस तरह से मैं ले लेती हूँ, देन आई अप्लाई लाइक दिस। Last but not the least, I will apply my lip balm and I'll be using a Blue Heaven ka lip balm. Isme na heart bana hua hai. I don't know, aap log dekh pa rahe ho nahi, but this is a heart. This is tinted lip balm. Aapko thoda sa pinkish color deta hai lips pe. I'm done with my routine. Okay, so that's it. This is my skincare routine जो कि मैं daily follow करती हूँ। मेरा कोई ऐसा specific morning and night skincare नहीं है जो मैं दिन में use करती हूँ। Same वही products में रात में भी use करती हूँ। Just I have two serums, तो मैं switch कर लेती हूँ serums को। I have niacinamide serum also, तो मैं उसको भी use करती रहती हूँ। And yes, that's it. Look at the glow. And yes, that's it for the today's video. I think you liked it. Aur agar aapko video acha laga hai to video ko like kar dijiyega, obviously video ko share kijiyega, channel ko subscribe kar lijiyega, aur main milti hu aapse apne agle video mein. Until then, stay positive and stay happy, keep glowing and keep growing.